उपमंडल संगडहा के अंतर्गत आने वाले नोहरा धार के समीप ईट के एक ट्रक से पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। अवैध रूप से लाई जा रही हरियाणा में बिकने वाली शराब की 250 पेटियों के साथ पुलिस ने ईट से लदे ट्रक को कब्जे में ले लिया है। राजगढ़ के नोहरा धार की तरफ आ रही अवैध शराब से लदी एलपी गाड़ी सोतानी नामक स्थान पर पकड़ी गई है। पुलिस ने शिमला जिला के मंझोली गांव के चालक को हिरासत में ले लिया है। ट्रक में मौजूदा हरियाणा की शराब व बियर की पेटियों को ईंट के बीच छिपा कर लाया जा रहा था, जिसके चलते इन्हें निकालने व गिनने में पुलिस को समय लग रहा है। सूत्रों के अनुसार इलाके में काफी अरसे से पेशेवर लोगों द्वारा अवैध शराब का धंधा किया जा रहा है, जिसका एक कारण यहाँ ठेकों में शराब महंगी मिलना बताया जा रहा है।